वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं दुलार चंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। और आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 इसको समझेंगे। हम लोग चैप्टर 1 में रेशनल नंबर दिया हुआ है, हम लोग पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ाई कर चुके हैं। नेचुरल नंबर पढ़ाई कर चुके हैं, होल नंबर पढ़ाई कर चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ाई कर चुके हैं। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं 6th क्लास 7th क्लास में। और यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट हम लोग लिखते हैं 3/2, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो कोई भी बच्चा उठेगा और बोलेगा सर ये तो फ्रैक्शन है। जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन है, वो भी सही बोल रहा है। तो ये फ्रैक्शन है, और तो रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन के रूप में ही होता है। लेकिन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर होता है। कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट कैसे है? एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन से अलग कैसे है? किसी भी फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर यूज होता है, जबकि रेशनल नंबर में इंटीजर्स यूज कर सकते हैं, उसमें माइनस वाला जो नंबर होता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको -3/2 लिख सकते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर आएगा। तो जितना भी फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर के अंदर आता है। ये जो है ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। तो हम लोग समझ गए हैं कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन से अलग कैसे होता है। फ्रैक्शन का जो एरिया होता है वो सीमित होता है, रेशनल नंबर एक बड़े एरिया को कवर करता है। प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो हम लोग नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, सारे इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में हम लोग रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं a+b=c, जहाँ पे c जो है नेचुरल नंबर या होल नंबर होता है। हम लोग इसको रेशनल नंबर में देखेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई होता है रेशनल नंबर में। तो हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग 8 में देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 2/3 + 5/3 = 5 to 7, 7/3, और ये जो हमको मिलता है ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं रेशनल नंबर है। हम सब्ट्रैक्ट में देखते हैं, टू बाई थ्री माइनस 5/3, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है -3/3, कट जाता है = -1। -1 भी रेशनल नंबर है, यहाँ भी हम लोगों को रेशनल नंबर मिलता है। इसके बाद मल्टीप्लाई में देखते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 2/3 × 5/3 = 10/3 = 9, तो ये भी हम लोगों को रेशनल नंबर मिलता है। अब इसके आगे हम लोग डिवीज़न में देखते हैं, रेशनल नंबर इस तरह से लेते हैं डिवाइड 2/3 / 0, ये किसी भी तरह से डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों को रेशनल नंबर नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलता है, जिसके वजह से ये रेशनल नंबर नहीं मिलता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के डिवीज़न में ये लॉ जो है वो लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। फाइनली हम लोग क्या देखते हैं इसमें, रेशनल नंबर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर,
अब यहाँ पे हम लोगों को जो मिला इसको कैलकुलेशन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों को रेशनल नंबर मिला एस, यहाँ पे भी मिला एस, और यहाँ पे भी मिला लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। इसका आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है। तो आइए हम लोग ऐड में देख लेते हैं, ऐड करके देखते हैं, 2/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 5/3 प्लस 2/3। अब इसको हम लोग प्लस करते हैं, 5 × 2 = 7, 7/3 और यहाँ पे 7/3, मतलब ये जो लॉ है अप्लाई होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट में देख लेते हैं, 2/3 माइनस 5/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/3 इक्वल टू -1 और यहाँ पे हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, मतलब ये लॉ जो है इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम लोग नो लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, मल्टीप्लाई शॉर्ट में लिख देते हैं, 2/3 इंटू 5/3 इक्वल टू 5/3 इंटू 2/3। अब ये 5 × 2 = 10/9 इक्वल टू 5 × 2 = 10/9 और ये जो है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होगा। डिवीजन में चेक करते हैं, 2/3 डिवाइड 5/3 इक्वल टू 5/3 डिवाइड 2/3। अब इसको डिवाइड करने का नियम ये है, 3 इंटू कर देते हैं इसको, इसको जो है प्लट देते हैं 3/5, तो ये कैंसिल हो गया और इसका आ गया 2/5 और इसको 5/3 इंटू 3/2 ये कैंसिल हो गया और 5/2 ये 2/5 और ये 5/2 दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर अप्लाई, यहाँ पे इसका लॉ अप्लाई होता है ऐड में, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे अप्लाई होता है और यहाँ नहीं होता। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग इस प्रकार अप्लाई कर चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रहेगा, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस बार ये ब्रैकेट में रहेगा। हम लोग इसको रेशनल नंबर में चेक करते हैं, ये किस पर अप्लाई होता है, किस पे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग ऐड में देखते हैं, 2/3 प्लस 5/3 प्लस 7/3, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इक्वल टू 2/3 प्लस 5/3 प्लस 7/3, इस बार हम लोग इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको 2/3 और यहाँ पे 5 = 7 = 12 प्लस 12/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 × 2 = 14/3 इक्वल टू यहाँ पे 5 × 7/3 प्लस 7/3, 7 × 7 = 14 = 14/3, यहाँ पे 14/3 इधर भी 14/3, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐड का जो लॉ है वो वर्क करता है, ये वर्क करेगा। सब्ट्रैक्ट को चेक करते हैं, टू बाई थ्री माइनस 5/3 माइनस 7/3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इक्वल टू 2/3 माइनस 5/3 माइनस 7/3, इस बार हम लोग इसको ब्रैकेट में लेते हैं, यहाँ पे 2/3 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस पर माइनस लगा हुआ है,
माइनस टू बाई थ्री, हम लोग इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, मतलब फोर बाय थ्री आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को फाइव में टू माइनस होगा तो थ्री बचेगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ पे, और थ्री इक्वल टू ये माइनस माइनस थ्री बाय थ्री माइनस सेवन बाय थ्री, ये माइनस और ये माइनस, तो सेवन थ्री टेन हो जाएगा, तो माइनस टेन हो जाएगा, माइनस टेन बाय थ्री, फोर बाय थ्री इधर और इधर माइनस टेन बाय थ्री, मतलब इक्वल नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्ट का लॉ वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करता। अब हम लोग मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, मल्टीप्लाई शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री इंटू सेवन बाय थ्री, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री इंटू सेवन बाय थ्री। इस बार हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे, टू बाई थ्री इंटू, यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पे इसको इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्टी फाइव टू जा सेवेंटी और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। यहाँ पे देख लेते हैं, फाइव टू जा टेन बाई थ्री, थ्री थ्री जा नाइन इंटू सेवन बाई थ्री और टेन सेवन जा सेवेंटी, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ये दोनों इक्वल आ रहा है, सेवेंटी बाई ट्वेंटी सेवन दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई का लॉ है वो वर्क करता है। हम लोग डिवीजन में चेक कर लेते हैं, डिवीजन में चेक करते हैं, टू बाई थ्री डिवाइड फाइव बाई थ्री डिवाइड सेवन बाय थ्री, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, टू बाई थ्री डिवाइड फाइव बाई थ्री डिवाइड सेवन बाय थ्री, इस बार हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ पे टू बाई थ्री डिवाइड, इसको यहाँ अंदर में जो डिवाइड होगा वो फाइव बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाय सेवन, ये लौट जाएगा यहाँ पे, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, ये कट जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू टू बाई थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, ये डिवाइड सेवन बाय थ्री, ये यहाँ पे कट जाएगा और कोई कटने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग टू बाई थ्री यहाँ नीचे लेते हैं और ये डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइव बाई सेवन यहाँ पे आ रहा है, तो सेवन बाई फाइव हो जाएगा, सेवन बाई फाइव ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये कोई कटने वाला नहीं है, सेवन टू जो फोर्टीन इक्वल टू फोर्टीन बाय फाइव थ्री जा फिफ्टीन इक्वल टू यहाँ पे टू बाई फाइव हमको यहाँ पे मिल रहा है और ये मल्टीप्लाई थ्री बाई सेवन, थ्री बाय सेवन यहाँ कोई कटने वाला नहीं है, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स बाय सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, मतलब फोर्टीन बाई फिफ्टीन और सिक्स बाय थर्टी फाइव ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन का लॉ वर्क नहीं करता है, यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर एड में वर्क करता है, सब्ट्रैक्ट में वर्क नहीं करता है, मल्टीप्लाई में वर्क करता है, डिवीजन में वर्क नहीं करता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाई कर चुके हैं, ए इंटू बी प्लस सी ये ब्रैकेट में रहेगा, इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको हम लोग रेशनल नंबर में लेते हैं ऐड के रूप में, ये यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई ही रहेगा, इसी तरह से ये जो है इसी फॉर्म में ये काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग चेंज करके देखते हैं, यहाँ ऐड है, ऐड में ये काम करता है, हम लोग देखते हैं, टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री प्लस सेवन बाई थ्री, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं और इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इंटू सेवन बाय थ्री, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, टू बाई थ्री इंटू यहाँ पे फाइव
सेवन फाइव ट्वेल्व बाई थ्री, ये आ जा रहा है ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाई थ्री, और इसको देखते हैं फाइव टू जै फाइव टू जै टेन बाई थ्री प्लस सेवन टू जै फोर्टीन बाई थ्री, टेन फोर्टीन ट्वेंटी फोर बाई थ्री, दोनों ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एड में काम करता है। सब्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं टू बाई थ्री इंटू, यहाँ पे इंटू ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, प्लस की जगह पे फाइव बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री इंटू सेवन बाय थ्री। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं टू बाई थ्री इंटू सेवन में फाइव जाएगा तो माइनस टू, माइनस टू बाय थ्री, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू टू, ये मल्टीप्लाई टू टू जो फोर, ये माइनस फोर बाई थ्री, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइव टू जै टेन बाई थ्री माइनस सेवन टू जै फोर्टीन बाई थ्री इक्वल टू, यहाँ भी देखते हैं फोर्टीन में टेन माइनस हो रहा है और ये माइनस में है तो इसका मतलब है कि माइनस फोर बाय थ्री, ये दोनों इक्वल आ रहा है। ये एड में और सब्ट्रैक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करता है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं ले सकते क्योंकि अगर यहाँ मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं ले सकते, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं ले सकते। और यहाँ पे हम लोग डिवीज़न लेके चेक कर सकते हैं, तो ये हम लोग डिवीज़न पे चेक कर लेते हैं। डिवीज़न टू बाई थ्री डिवाइड फाइव बाई थ्री प्लस सेवन बाई थ्री, इसको यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू टू बाई थ्री डिवाइड फाइव बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री डिवाइड सेवन बाई थ्री, इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं टू बाई थ्री डिवाइड, और ये फाइव सेवन फाइव ट्वेल्व बाय थ्री इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई फाइव प्लस टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई सेवन, ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा, इसको हम लोग टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई ट्वेल्व, इसको यहाँ से हम लोग काट देंगे, टू सिक्स जै ट्वेल्व ऊपर में वन हो जाएगा, और यहाँ पे टू बाई फाइव प्लस टू बाई सेवन, ये आ जाएगा वन बाई सिक्स इक्वल टू, इसको हम लोग करके देख लेते हैं थर्टी फाइव, इसके एलसीएम इसको लेंगे डिवाइड करेंगे तो सेवन बार में जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन प्लस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, फाइव फाइव टू जा टेन, इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्टीन और टेन ट्वेंटी फोर बाय थर्टी फाइव, ये कटने वाला नहीं है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये डिवीज़न जो है वर्क नहीं करता है, ये काम नहीं करेगा। तो अब लोग फाइनली यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर एड एड में ये वर्क करता है, सब्ट्रैक्ट में वर्क करता है, ये डिवीज़न में वर्क नहीं करता है। इसके आगे हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, एडिटिव इन्वर्स का फॉर्म ये है, एडिटिव इन्वर्स इस रूप में रहेगा, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग उसको प्लस करते हैं उसके अपोजिट साइन वाला नंबर से, जैसे कि सपोज हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर वन दिया हुआ है प्लस माइनस वन, हम लोगों को उसमें जीरो लाना है,
यहाँ पे हम लोगों को जीरो मिल जाता है। कोई भी दूसरा भी नंबर दिया हुआ है, सपोज माइनस टू दिया हुआ है, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे टू से, तो यहाँ पे हम लोगों को जीरो मिलेगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए जस्ट उसी नंबर को लिखना है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है, बस इतना आसान है। इस चैप्टर में हम लोगों को और एक चीज़ मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका फॉर्म इस प्रकार है, ए बाई बी इंटू बी बाई ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसको हम लोग कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 3/5, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/3। हमको वो नंबर लिखना है जिससे कटने के बाद 1 आ जाए, तो ये कट जाएगा इससे, 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 इससे ये कट जाएगा, और ये बचेगा क्या, 1। कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो जस्ट उसको हम लोग को अपोजिट कर देना है, रिवर्स कर देना है, उसी को मल्टीप्लिकेटिव को ही रेसिप्रोकल बोला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल सेम चीज़ है, दो नाम है, काम एक है। इसमें हम लोग कुछ और जान लेंगे, जैसे कि नोट में हम लोग कुछ जान लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, बोथ हैव ऑन रेसिप्रोकल। ये दोनों नंबर जो होता है इसका रेसिप्रोकल ये खुद होता है। अगर -1 को हम उल्टा करेंगे तो -1 ही रहेगा, 1 को भी 1 को उल्टा करते हैं तब भी वो 1 ही रहेगा। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 को उल्टा करते हैं तब भी वो 0 ही रहता है। 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। इस चैप्टर में हम लोगों को और क्या मिल सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज 1/5 power -1 = 5। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर लिखने के लिए दिया गया है तो उसको हम लोग उस पर power -1 लगाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। इसका वैल्यू जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और ये 5 हो जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है, और आइए हम लोग इसके आगे इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।